नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं फिट से। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसका आज वो बीमारी, हम लोग आज बीमारी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसी बीमारी जो शायद एड्स से इस कंपैरिजन कर सकते हैं, एड्स का बराबर मुकाबला कर सकते हैं। एड्स के बारे में हर किसी को पता होता है व्हाट इज एड्स, लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपके कहीं कट लग जाए तो खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। चलिए हवा में बातें नहीं करते हैं, साइंस के मुताबिक समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीमारी होती क्यों है। वैसे तो ये अनुवांशिक बीमारी है और ये माता पिता से बच्चों में जाती है, ये कोई वायरल या फिर इन्फेक्शन बीमारी नहीं है। और इस बीमारी के अंदर मैंने बताया कट लगने के बाद खून नहीं जमता, खून अगर आपके शरीर में नहीं जमेगा और कंटिन्यूसली बहता रहेगा, अगर खून जमता भी है तो कुछ टाइम बाद जमता है। वैसे नॉर्मल टाइम खून जमने की या ब्लड क्लॉटिंग की टाइमिंग होती है 30 सेकंड से 1 मिनट या 2 मिनट के बीच में। इस बीच हमारे कहीं चोट या घाव लगने पर खून जम जाता है और हमारा ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता। लेकिन इस बीमारी के अंदर उल्टा होता है, एक फैक्टर होता है फैक्टर 8, जिसमें ब्लड के अंदर कमी हो जाती है, जिसकी ब्लड के अंदर कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से उस जमने वाले फैक्टर को वो जमने वाले फैक्टर को खा जाता है या हटा देता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, आपके शरीर, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ, एक ये इस वजह से नहीं जमता क्योंकि हमारे शरीर में यानी हमारे जो ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है हेपरिन नाम का। हेपरिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है और जैसे ही ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से ये ब्लड को जमाने का काम करता है, ब्लड में जमाने का काम करते हैं प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेट एक सब्सटेंस निकालते हैं जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्लस प्रोटीन मिलके ब्लड को जमाने का काम करते हैं कटे हुए भाग पर। अब जानते हैं दोस्तों ब्लड क्लोटिंग क्या है, ये क्लोट क्या कर रहा हूँ मैं। ब्लड क्लोटिंग है हमारे शरीर में, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके शरीर का कोई अंग सुन्नपन में आ जाता है। वैसे बीमारी आम बीमारी में आती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रुकी रहे तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। हमारे शरीर में एक चैन रिएक्शन होती है जिसके अंत में ब्लड क्लोट होने लगता है और नस ब्लॉक हो जाती है। या तो इसे इस बीमारी को कभी कभार डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ये आपको दवाई देगा या फिर सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। सर्जरी की नौबत इसलिए बुरी बताई जाती है क्योंकि अगर सर्जरी हार्ट की सर्जरी है, हार्ट में काफ़ी छोटी छोटी नसें होती हैं जिनकी सर्जरी से काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, और हार्ट में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई ब्लड क्लोटिंग की तो हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये मेन प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल से, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिन लोगों में, जो लोग 10-10 घंटे अपने ऑफिस या किसी जगह पर बैठकर काम करते हैं या फिर एक ही जगह सुस्त से पड़े रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है मोटापा, या जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं उन लोगों में इसके चांसेस दुगने हो जाते हैं। ये बीमारी किसी को ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन भारत के अंदर अनुमान लगाया गया है कि 1.5 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इस बीमारी का इलाज सिर्फ इतना है, महीने में 2-3 टीके यानी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वैसे ये स्टार्टिंग में लगाए जाते थे, अब थोड़ी नई जनरेशन है, महीने में एक इंजेक्शन से काम चल जाता है, हर महीने एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है अगर आपको जिंदा रहना है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी रखनी पड़ती है उस इंसान को जिसका हीमोफीलिया होता है। वैसे कभी कभार ये इंटरनल भी हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग यानी हमारे शरीर के किसी अंग में ब्लीडिंग होने लगती है और ये ट्यूमर का रूप भी ले लेती है, ट्यूमर से यानी कैंसर बन जाएगा और कैंसर से आपको पता ही है कैंसर कितनी ख़तरनाक बीमारी है। तो आप इसे स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो लोग सेब या फिर संतरा अपनी डेली लाइफ से जोड़े रखते हैं उनको ये बीमारी कम देखने को मिलती है। तो अपनी लाइफ में सेब संतरे को जोड़िए। और आपने सुना होगा ब्लैक टी यानी काली चाय लोग अक्सर बुरी बताते हैं, लेकिन ये यहाँ फ़ायदा करती है। फ़ायदा ये है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है और खून को गाढ़ा होने से बचाती है। अगर हमारा खून गाढ़ा नहीं होगा तो उसमें ब्लड क्लोटिंग होने के चांसेस भी कम होंगे। तो आप ब्लैक टी का सहारा ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो आपको अपनी दिनचर्या में जोड़नी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का फ्लो बना रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। कई सारी बीमारी ऐसी है जो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही दूर हो जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।